झारखंड राज्य के कुकिंग कॉम्पिटिशन आज पहली बार झारखंड के राज्य रांची के समक्ष जो है बीएमपी स्कूल के पास ये प्रतियोगिताएं रखी गई है, जहां पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिला से यानी कि 2400 जिला से यहां पे जो है रसोई में काम करती हैं स्कूल पे महिलाएं, उनको यहां पे बुलाया गया है इस तरीके से। और यहां पे कुकिंग कॉम्पिटिशन जो है किस तरह से किया जा रहा है, 2400 जिला से अलग अलग जिला से जो है महिलाएं यहां पे आई हुई हैं। हमारे साथ यहां पे महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि कहां से आई है और क्या कुछ खास है। क्या नाम हुआ आपका? सुकर्मी देवी। कहां से आई हैं आप? लातेहार से। अच्छा, क्या कुछ खास है यहाँ पे आज आप लोग आई हैं? सभी कोई स्कूल की रसोइयाँ है कहीं ना कहीं, आप लोग क्या कुछ खास है यहाँ पे आज? आज खाना बनाने की स्कूल का अच्छी है प्रतियोगिता रखी है। प्रतियोगिता रखे हैं जी। क्या कुछ बना रही हैं आप, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? उसमें छोला बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं जी, दाल अलग अलग तरह की खाने बना रहे हैं। हाँ, दाल चावल बनाए हैं, खीर बना रहे हैं, सलाद पापड़ चटनी। तो जो स्कूल में बच्चों को जो स्वादिष्ट खाना मिलते थे वो आज यहाँ पे प्रतियोगिता के रूप में अपनाया जा रहा है, और जिनके खाने स्वादिष्ट होंगे उन पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो होगा प्राइज उनको दिया जाएगा। वहीं यहाँ पे जजेस जो होंगे इनके खाने को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे और बताएंगे यहाँ पे कि क्या कुछ खाना स्वादिष्ट है। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो है स्वादिष्ट खाना भी दिया जाएगा। यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ है आज पहली बार जो है ये प्रतियोगिता होने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड राज्य के लिए ये एक गौरव की बात है कि हम लोग जमीन स्तर से लेकर के विद्यालय स्तर से लेकर भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसमें लगभग हमारा 34 लाख बच्चे झारखंड के लाभान्वित हैं और उन्हें हमारा मेनू के अनुसार भोजन दिया जाता है। मेनू राज्य सरकार निर्धारित करती है, परंतु मेनू में ऐड करने की छूट है कि स्थानीय स्तर पर वो ऐड करेंगे। इस प्रतियोगिता को कराने का मकसद यह है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ कुक कम हेल्पर्स, हम रसोईया को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इसके लिए एक दिन का हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग भी दे रखा था। अब प्रतियोगिता कराने के पीछे है कि आपस में प्रतिस्पर्धा हो और उसी में रेट में उसी दर में उसी भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर में बेहतर से बेहतर भोजन बच्चों को पौष्टिक भोजन और उसमें पौष्टिकता का मूल्य ज़्यादा हो वो परोस सकें और हमारे भारत झारखंड राज्य के सारे बच्चे लाभान्वित हो सकें। कहीं ना कहीं सर स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाई के साथ शिक्षा के साथ साथ स्वादिष्ट खाने भी मिल रहे हैं। हाँ, स्वादिष्ट के साथ साथ है कि उसका न्यूट्रिएंट्स वैल्यू अभी आप देख रहे होंगे कि लगभग हमारे सारे काउंटर्स में ग्रीन वेजिटेबल्स की संख्या ज़्यादा है। और ये हमारा झारखंड सरकार, हमारे जो डायरेक्टर और सेक्रेटरी सर हैं उनका स्पष्ट गाइडलाइन है कि ग्रीन वेजिटेबल्स बच्चों को अनिवार्य रूप से देना है, और ग्रीन वेजिटेबल देने से हमारा जो यहाँ माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है वो हम धीरे धीरे उस पर कब्जा कर सकें और माल न्यूट्रिशन को समाप्त कर सकें। मेरा विनोद कुमार तिवारी, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर झारखंड स्टेट मिड डे मील अथॉरिटी। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे अलग अलग जगह से महिलाएं जो आई हुई है और यहाँ पे चयन होगा और देखा जाएगा कि कौन स्वादिष्ट खाना बनाती है, उसके लिए चुने जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर होगा उनको कहीं ना कहीं प्राइज भी दिया जाएगा और जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। जीएन भारत से नेहा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।